37 रखनी है और ये लेंथ में, ये देखिए अगर हम बनाते हैं तो ये मेरे पास पूरा 43.5 आ रहा है और इसकी जो लेंथ है मुझे 37 रखनी है। अब मैं अगर नीचे से कट करती हूँ तो मेरा ये सारा डिज़ाइन चला जाएगा, ऊपर से कट करती हूँ तो मेरा ये गला चला जाएगा। तो इसको हम कैसे बनाएं कि हमारा डिज़ाइन भी रह जाए और हमारा ये जो है हमारा सूट भी ठीक बन जाए। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका, ये देखिए ये पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन है, तो फ्रंट पोर्शन में मैं, ये हमारे पास बिल्कुल तैयार लेंथ आएगी तो मैं इसके नीचे कम से कम इतना एक्स्ट्रा लेके पहले ये पूरे कपड़े को मैं कट करूंगी। ये देखिए यहां पे मैं गले को पिनअप कर लूंगी जिससे मेरा ये गला बिल्कुल ना हिले। और इस डिजाइन को मैं ऐसे बिल्कुल मिला लूंगी। ये अब मैं यहां पर बिल्कुल एक सीधी लाइन डालूंगी। ये देखिए अब लेंथ मेरे पास 38 मेरे पास तैयार लेंथ है तो मैं इसको 39.5 पे लूंगी। ये देखिए 38.5 पे, ये इतना इतने पे मैं लूंगी। अब मुझे इसका जो नेक है यहाँ से यहाँ 3 इंच, ये देखिए, और ये यहाँ से यहाँ 4.5, ये मेरा बिल्कुल ठीक आया है। अब शोल्डर मेरे पास इसका है 14, तैयार शोल्डर है, 15 करेंगे, 15 ही हम इसके यहाँ लेंगे। तो ये देखिए ये डिज़ाइन और इस डिज़ाइन को भी चेक करेंगे कि ये हमारा बराबर है, बिल्कुल बराबर। ये देखिए तो अब फ्रेंड्स इसका बस्ट साइज है 39 + 3 = 42 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 10.5, 21.5 ऊपर से लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर 7 इंच। तो जहाँ 7 इंच आया यहाँ पे हम वेस्ट साइज लगाएंगे 36, इसकी वेस्ट साइज है 3 इंच का लूजिंग लेंगे 39, 4 से डिवाइड 9.75, 43 हिप है, एक बढ़ाएंगे 44, 11 हम हिप लाइन लेंगे और लेने के बाद बस नीचे भी हम पैनल 11 ले लेंगे और लेने के बाद इसे मिला देंगे और कटिंग करेंगे। तो एक बार इसकी जो लेंथ है एक बार और चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो लेंथ 38 है उसमें ये 1.5 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जो हमें स्लांट देना है ये 1.5 का हमें देना है और देने के बाद इसे नेक लाइन से मिला देना है। तो ये 1.5 एक्स्ट्रा जो है ये एक्स्ट्रा नहीं होगा, ये सब इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है ना, जो गलों में खिंचाव आता है वो उसी वजह से आता है कि आप पूरा पूरा ले लेते हो। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये जो हमारे पास आया है ये 3 इंच का नेक आया है, पूरा ये 3 इंच का नेक है और यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे नेक ले लेंगे हम इसको। और हमारे को टोटल हमें 8.5 का नेक रखना है तो हम इसमें 8.5 का कट डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम कट डालेंगे, इससे हमारा नेक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसमें इसका बैक पोर्शन कट करेंगे। तो जितना हमने लेंथ लिया है बैक साइड को 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो अब देख रहे हैं ना, फ्रंट में मैंने 1.5 एक्स्ट्रा रखा, बैक साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा रखा, लेकिन जब हमारा शोल्डर का घुमाव आता है ये सब उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड की लेंथ में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लेना।
ठीक है। अब इसी कपड़े के जो आगे कपड़ा है इसमें हम स्लीव्स का, जैसे सिंपल सूट का स्लीव्स का ड्राफ्टिंग लगाएंगे। सेवेंटीन लेंथ है तो हम 18 पे कट करेंगे। और फ्रेंड्स हम नेक का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने एम्ब्रॉयडरी के बाहर निशान लगाया है, ये मैं इसलिए निशान लगा रही हूँ क्योंकि जब हम बैंड लगाएंगे तो वो एम्ब्रॉयडरी तक पहुँच जाएगी, इसलिए मैं बाहर निशान लगा रही हूँ। अब हम इसको कट करेंगे। यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम बिल्कुल इस एम्ब्रॉयडरी के किनारे किनारे एक सिलाई लगाएंगे, लेकिन इस सिलाई को डबल लगाना, ठीक है ना, ताकि ये पक्की हो जाए। यहाँ पर ऐसे ऐसे सिलाई लगाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैंने अपना एडवांस ब्लाउज कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो इसमें मैंने 6 टाइप के ब्लाउज सिखाए हैं। तो आपको मिलेगा इसके अंदर चोली कट ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज, मैघर ब्लाउज और स्पेगेटी ब्लाउज और प्रिंसेस कट ब्लाउज मिलेगा। और एक ब्लाउज प्रिंसेस कट में आपको मिलेगा जो पतली स्टेप वाला ब्लाउज होता है, स्लीवलेस ब्लाउज। और जो प्रिंसेस कट एक दिखाऊंगी वो आपको फुल स्लीव्स और दोनों ही डीप नेक, बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। और इसी को मैंने, इस फुल कोर्स को मैंने दो हिस्सों में भी डिवाइड किया है। अब सपोज करो जैसे किसी को आप कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज आता है और उन्हें सिर्फ प्रिंसेस कट और स्पेगेटी ब्लाउज सीखना है, तो आप मेरा मॉडर्न ब्लाउज कोर्स ले सकते हैं। और अगर किसी को चोली कट ब्लाउज, कटोरी कट ब्लाउज, मैघर ब्लाउज सीखना है तो आप मेरा ब्लाउज कोर्स ले सकते हैं। तो मुझे ज्वाइन करने के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं या डायरेक्ट मुझे मैसेज करें। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे, ये ऐसे पूरे पे। तो ये देखिए ये पीछे से कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इसके साथ सिल देंगे, इसको इसके साथ हिस्सा है। ये देखिए हमने इतना इसको बढ़ाया था बाहर को, अब हमें क्या करना है, इतना ही इसका नेक कट कर लेना है ऐसे।
ये देखिए, अब हम इसकी यहाँ से यहाँ तीरे सिलेंगे, ये देखिए यहाँ तीरे सिलेंगे और ये जो फिटिंग है इस फिटिंग को इधर ले लेंगे। ये देखिए अब ये फिटिंग लेके फिर हम इसकी साइड सिलेंगे और पूरा तैयार करेंगे जैसे ब्लाउज को सूट सिल के, बस इसका नेक बनाना मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सूट हमारा सिल के अब हम इसका गले को नाप के देखेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अब इसे नापेंगे। ये देखिए 5.5 और ये हो गया पीछे 9.5। देखिए एक स्केल की चौड़ाई ऐसे लगाएंगे और एक स्केल की चौड़ाई ऐसे ये लगा रखेंगे। ये देखिए ये देखिए ये हम ऐसे रखेंगे और ऐसे रख के हम यहाँ पर एक गोलाई चला देंगे। ये देखिए ये बाहर जा रहा है, इसे जाने देंगे और ये हमने गोलाई ली। अब हम इसे नाप के देखेंगे कि हमारे पास 9.5 है यहाँ से पूरा। अब हम इसे ऐसे रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ऐसे रख के पूरे में सिलाई लगाएंगे। क्लिप्स हमारी लगी हुई है और मैंने इधर से सिल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसी का ही एक और बचा हुआ कपड़ा लूँगी और लेके इसके ऊपर रखूँगी।